आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर गर्दश करती है कि जिसने सबसे पहले रबी अव्वल की बशारत दी तो वो जन्नत में जाएगा और इस तरह के और बहुत सारे वादे उसके साथ मंसूब किए जाते हैं। अजीब सी कहानी है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का कोई हुक्म इस बाब में नहीं है, बल्कि हुक्म यह है कि जब 29 दिन हो जाएं तो फिर चांद देखो, और अगर चांद नज़र आ गया तो ठीक, वरना 30 दिन पूरे करो। बस ये सादा सा एक निज़ाम है, बाकी वो मुबारक दिन, वो मुबारक लम्हे, वो मुबारक महीने जिनके अंदर अल्लाह ताला ने ख़ास बरकतें रखी हैं तो उनसे बरकतें हासिल करो। तो ये जो हम एक वो भेड़ चाल के तौर पे ये शेर होना शुरू हो जाता है कि फ़लाँ महीने की, फ़लाँ महीने की जिसने सबसे पहले ख़बर दे दी तो उस पर रसूलुल्लाह की शफ़ात वाजिब हो गई, तो ये कितनी बदतरीन बात है कि हुजूर के नाम वो चीज़ मंसूब कर दी जो मेरे हुजूर ने फरमाई ही नहीं। ये बल्कि फरमाया कि जिसने मेरे ऊपर जानते बूझते झूठ भरा और मेरी तरफ झूठ को मंसूब किया वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश कर। तो इसलिए ये बात ज़हन में रखिएगा कि कभी भी जो है वो हुजूर के नाम से ऐसी कोई बात मौजूद नहीं, और इसको कभी भी शेयर ना कीजिएगा। बाकी आप खबर दें या ना दें, जब रबी अव्वल आएगा पूरे ज़माने को खबर होगी। वो महीना तुलू हो रहा है, बुलबुलें चहकने लगेंगी, गुंचे महकने लगेंगे, कलियां चटकने लगेंगी, नागहां साकिन हवाओं पर रवानी आ गई और चमन के पत्ते पत्ते पर जवानी आ गई। आज जानुए अजल ने सुबह पे अंगड़ाई ली और मुस्कराकर एक किरण ने हाथ में शहनाई ली। मखजने असरार कुदरत के अमी पैदा हुए, गुल हुआ दुनिया में खत्मुल मुरसली पैदा हुए। तो जब वो मुबारक घड़ियां जिन घड़ियों में सदियां कबल मेरे हुजूर आए थे, तो वो लम्हे आएंगे तो बरकतें खुद आप रूहों में उतरती महसूस करेंगे। बाकी इंतज़ार जरूर कीजिएगा, लेकिन ऐसी कोई खबर और इस तरह की कोई हदीस मौजूद नहीं है।